दोस्तों नमस्कार। आज फिर मैं गागर में सागर का तीसरा पार्ट लेकर आप लोगों के सामने हाजिर हूँ। आशा करता हूँ कि जो ये मैं इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इसमें आपके कंपटीशन के साथ साथ बहुत सारी जगह पर इंटरव्यू भी होता है, साक्षात्कार में बहुत सारे चीज़ें पूछे जाती हैं, तो उन सबको ध्यान में रखकर ये गागर में सागर वीडियो में तैयार कर रहा हूँ। दोस्तों शुरुआत करते हैं। NSA का पूरा नाम क्या है, इसकी प्रकाशन अवधि क्या है, इसके प्रत्येक अंक में कौन कौन सी अनुक्रमणिका हैं। दोस्तों NSA का पूरा नाम न्यूक्लियर साइंस एब्स्ट्रैक्ट है तथा प्रकाशन अवधि इसकी पाक्षिक है, सेमी मंथली है, और इसके प्रत्येक अंक में विषय अनुक्रमणिका, सब्जेक्ट इंडेक्स, व्यक्तिगत लेखक अनुक्रमणिका, पर्सनल ऑथर इंडेक्स, सहकारक लेखक अनुक्रमणिका, कॉरपोरेट ऑथर इंडेक्स तथा प्रतिवेदन संख्या अनुक्रमणिका, रिपोर्ट नंबर इंडेक्स उपलब्ध है। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों त्रैमासिक संदर्भ उपकरण गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर के अंकों के प्रकाशन के विशिष्ट महीनों का नाम बताइए तथा किस विषय क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों मुझे भी साक्षात्कार में यह क्वेश्चन पूछा गया था। त्रैमासिक संदर्भ उपकरण गाइड टू इंडियन पीरियोडिकल लिटरेचर के अंकों के प्रकाशन के विशिष्ट महीनों का नाम है मई, अगस्त, नवंबर तथा फरवरी है। यह समाज विज्ञानों तथा मानविकी, सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज़ के क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है क्योंकि लगातार जो है मंथ्स नहीं दिए गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं द इंडेक्स नंबर ऑफ होलसेल प्राइसेस इन इंडिया को कौन प्रकाशित करता है। दोस्तों द इंडेक्स ऑफ होलसेल प्राइस इन इंडिया को भारत सरकार के अर्थशास्त्र सलाहकार विभाग, ऑफिस ऑफ द इकोनॉमिक एडवाइज़र ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रकाशित होता है। नेक्स्ट पॉइंट है इंडियन बुक मासिक सामयिक प्रकाशक कौन है। दोस्तों इंडियन बुक जो मंथली निकलता है इसके जो प्रकाशक हैं वह मुखर्जी बुक हाउस कलकत्ता है। नेक्स्ट पॉइंट है DK न्यूज़लेटर नामक सामयिकी का प्रकाशन कौन करता है। दोस्तों DK न्यूज़लेटर नामक सामयिकी का प्रकाशक DK पब्लिशर डिस्ट्रीब्यूटर्स नई दिल्ली है। नेक्स्ट पॉइंट है रिसेंट इंडियन बुक्स त्रैमासिक जो क्वार्टरली निकलता है इसके पब्लिकेशन किसके द्वारा होता है। रिसेंट इंडियन बुक त्रैमासिक नामक सामयिक का प्रकाशन फेडरेशन ऑफ पब्लिशर्स एंड बुक सेलर एसोसिएशन ऑफ इंडिया के द्वारा होता है। नेक्स्ट पॉइंट 66 है करंट इंडियन पीरियोडिकल इन इंग्लिश का संकलनकर्ता कौन है, अर्थात इसका एडिटर कौन है। दोस्तों करंट इंडियन पीरियोडिकल इन इंग्लिश के संकलनकर्ता NN गिडवाणी तथा K नवलानी हैं। नेक्स्ट पॉइंट है डेटा न्यूज़ फीचर्स हैदराबाद द्वारा प्रकाशित डेटा आंध्र प्रदेश का प्रकाशन अवधि क्या है तथा इसके विभिन्न भागों के नाम बताइए। दोस्तों डेटा न्यूज़ फीचर्स हैदराबाद द्वारा प्रकाशित डेटा आंध्र प्रदेश की प्रकाशन अवधि फोर्ट नाइटली है, पाक्षिक है यानी कि 15 दिन में एक बार आती है, और इसके प्रमुख भाग डेटा ओरिएंटेड प्रोफाइल, सेकंड पार्ट है डेली डायरी और थर्ड पार्ट है करंट स्टेटिस्टिकल इन्फॉर्मेशन है। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं इंडियन इकोनॉमी डायरी की प्रकाशन अवधि क्या है। दोस्तों इंडियन इकोनॉमी डायरी की प्रकाशन अवधि साप्ताहिक है, अर्थात वीकली यह निकलती है। नेक्स्ट पॉइंट है ICSSR द्वारा निर्गत यूनियन कैटलॉग ऑफ सोशल साइंस सीरियल्स का क्षेत्र क्या है, इसका कौन सा फील्ड यह कवर करता है उसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो ICSSR द्वारा निर्गत यूनियन कैटलॉग ऑफ सोशल साइंस सीरियल्स में 17 राज्यों तथा 2 केंद्र शासित प्रदेशों के 550 ग्रंथालयों के सामाजिक विज्ञान के सामयिकियों अर्थात उनके जो पीरियोडिकल है जर्नल्स हैं उसके लगभग 31,125 आख्या या टाइटल सम्मिलित होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है एलन पिचयार्ड द्वारा संख्यात्मक वाङ्मय सूचियां स्टेटिस्टिकल बिब्लियोग्राफी के लिए किस नए शब्द का प्रयोग किया गया है। दोस्तों एलन पिचयार्ड के द्वारा संख्यात्मक वाङ्मय सूची स्टेटिस्टिकल बायोग्राफी के लिए बिब्लियोमेट्रिक्स शब्द का प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है एशियन रिकॉर्डर का प्रथम अंक कब निर्गत हुआ था, इसकी प्रकाशन अवधि क्या है तथा एशिया के बाहर की घटनाओं को किस पृथक शीर्षक के अंतर्गत प्रदत्त किया जाता है। दोस्तों ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी।
एशियन रिकॉर्डर का प्रथम अंक सन 1955 में हुआ था। इसकी प्रकाशन अवधि साप्ताहिक है तथा इसके एशिया के बाहर की घटनाओं को एशिया आउटसाइड एशिया नामक शीर्षक से पब्लिश किया जाता है। पॉइंट नंबर नेक्स्ट, सूचना पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में पर्याप्त शब्दकोश या थिजोरस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग कब और किसके द्वारा किया गया था, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। सूचना पुनर्प्राप्ति के संदर्भ में पर्याप्त शब्दकोश अर्थात थिजोरस शब्द को सर्वप्रथम हेलन ब्राउनसन के द्वारा सन 1957 में प्रयोग किया गया था। तीन क्वेश्चन बनते हैं इसके। नेक्स्ट पॉइंट है, सबसे बड़े प्रकाशित पर्याय कोश या थिजोरस का नाम क्या है तथा सर्वप्रथम कब प्रकाशित हुई थी। दोस्तों, सबसे बड़े प्रकाशित पर्याय शब्द कोश का नाम अभियांत्रिकी तथा वैज्ञानिक शब्दों का पर्याय कोश है, थिजोरस ऑफ इंजीनियरिंग एंड साइंटिफिक टर्म्स है। यह सर्वप्रथम 1967 में पब्लिश हुई थी। नेक्स्ट पॉइंट है, स्टैंडर्ड बुक नंबर का विचार कब और किसके द्वारा विकसित हुआ था। दोस्तों, स्टैंडर्ड बुक नंबर का विचार सन 1967 में ग्रेट ब्रिटेन में विकसित हुआ था। नेक्स्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं, साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रादुर्भाव किसके द्वारा हुआ, इसका प्रकाशन अवधि क्या है तथा कौन कौन से अनुक्रम निकाय है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, यह मैचिंग में भी पूछा जाता है, लिस्ट ए लिस्ट बे जब मैच करते हैं तो वहाँ अक्सर ये क्वेश्चन आता है। तो इसका आंसर है दोस्तों, साइंस साइटेशन इंडेक्स का प्रादुर्भाव ई गारफील्ड यूजिन गारफील्ड के द्वारा किया गया था। इसका प्रकाशन सन 1964 से प्रारंभ किया गया तथा इसकी प्रकाशन अवधि त्रैमासिक है। नेक्स्ट है, INB का लिप्यांतरण पद्धति को अपनाया गया है। दोस्तों, ट्रांसलेशन सिस्टम में जो है किसको अपनाया गया है, INB द्वारा हिंटेरियन लिप्यांतरण पद्धति को अपनाया गया है। पॉइंट नेक्स्ट, मूल प्रलेख के लिए किस प्रकार के सार को विकल्प के रूप में प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, मूल प्रलेख के लिए सूचनात्मक सार इन्फॉर्मेटिव एब्स्ट्रैक्ट को विकल्प के तौर पर प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट पॉइंट है, ICSU पेरिस की सदस्यता की विभिन्न श्रेणियां कौन कौन सी हैं। दोस्तों, ICSU पेरिस की सदस्यता की विभिन्न श्रेणियां क्रम से अंतर्राष्ट्रीय वैज्ञानिक संघों, इंटरनेशनल साइंटिफिक यूनियन, राष्ट्रीय सदस्य नेशनल मेंबर्स, राष्ट्रीय सहायक तथा वैज्ञानिक सहायक नेशनल एसोसिएट्स ऑफ साइंटिफिक एसोसिएट्स हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, उस मैगजीन का नाम बताइए जिसे डेसी डॉग द्वारा वर्ष में दो बार निर्गत किया जाता है। दोस्तों, पॉपुलर साइंस एंड टेक्नोलॉजी एक ऐसी मैगजीन है जो डेसी डॉग के द्वारा वर्ष में दो बार प्रकाशित होती है, अर्थात हाफ ईयरली इसका पब्लिकेशन होता है। नेक्स्ट पॉइंट है, पुनरांकन या रिप्रोग्राफी किन प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है। दोस्तों, पुनरांकन या रिप्रोग्राफी चार प्रमुख सिद्धांतों पर आधारित है, जो इस प्रकार है, छायांकन, फोटोग्राफी, तापीय प्रतिलिपिकरण, थर्मोग्राफी और विद्युत छायांकन है। नेक्स्ट पॉइंट है, यूके में प्रकाशित अनुवादकों की संयुक्त राष्ट्रमंडल अनुक्रमणिका कॉमनवेल्थ इंडेक्स को व्यवस्थित करने वाली संस्था कौन सी है। दोस्तों, यूके में प्रकाशित अनुवादों की संयुक्त राष्ट्रमंडलीय अनुक्रमणिका को व्यवस्थित करने वाली संस्था का नाम एसलिब है, एसोसिएशन ऑफ स्पेशल लाइब्रेरीज। और नेक्स्ट पॉइंट है, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के खंड को पूरा होने में कितना समय लगा और इसके संपूर्ण खंड कौन कौन से विषय अनुक्रमणिका प्रदान की गई है। दोस्तों, केमिकल एब्स्ट्रैक्ट के खंड या वॉल्यूम्स को पूरा करने में लगभग 6 महीने का समय लगा है और इसके संपूर्ण खंड में रासायनिक पदार्थों का अनुक्रमणीकरण केमिकल एब्स्ट्रैक्ट इंडेक्स, सामान्य विषय अनुक्रमणिका, जनरल सब्जेक्ट इंडेक्स, आणविक सूत्र अनुक्रमणिका मोलिकुलर फॉर्मूला इंडेक्स, मुद्रिका पद्धति अनुक्रमणिका इंडेक्स ऑफ रिंग सिस्टम, लेखक अनुक्रमणिका ऑथर इंडेक्स, अंकीय एकश्व अनुक्रमणीकरण न्यूमेरिकल पेटेंट इंडेक्स तथा एकश्व शब्दानुक्रमणिका पेटेंट कंकॉर्डेंस है। नेक्स्ट पॉइंट है, आइस लीग ने अपना प्रथम अखिल भारतीय सेमिनार कब, कहाँ और किस विषय पर आयोजित किया था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, आप लोग जरा ध्यान से इन सबको देखिए। आइस लीग ने अपना सर्वप्रथम अखिल भारतीय सेमिनार 1960 में जाधवपुर विश्वविद्यालय में पुस्तकालय में स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ इंडियन नेम्स फॉर इंटरनेशनल कैटेलॉगिंग कोड नामक विषय पर आयोजित किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, शब्द भंडारण या थिजोरोफेसिट क्या है। दोस्तों, शब्द भंडारण एक अनुक्रमणीकरण उपकरण है जिसमें पक्षीय अनुक्रमणिका पद्धति का पर्याय शब्द कोश सम्मिलित होता है।
नेक्स्ट पॉइंट है, उन चार वैज्ञानिकों के नाम बताइए जो अनुक्रमणीकरण सिद्धांत तथा प्रयोग में निर्माण में अंतिम सहयोग प्रदान किया था। दोस्तों इसका आंसर है डॉक्टर एस आर रंगनाथन, जे कैजर, जे एल फराडेन तथा ई जे कोट्स नामक पुस्तकालय वैज्ञानिकों ने अनुक्रमणीकरण सिद्धांत का प्रयोग इंडेक्सिंग थ्योरी एंड प्रैक्टिस के निर्माण में अंतिम सहयोग प्रदान किया था। नेक्स्ट पॉइंट है, किस वर्ष को सूचना तकनीकी वर्ष के रूप में जाना जाता है। दोस्तों सन 1982 को सूचना तकनीकी वर्ष के रूप में जाना जाता है, 1982 को इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ईयर के रूप में जाना जाता है। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया है कहीं एग्जाम में। इन्फॉर्मेटिक्स शब्द का प्रयोग 1966 में रूस में किस शब्द के स्थान पर किया गया था इसके द्वारा प्रतिपादित किया गया था। दोस्तों इन्फॉर्मेटिक्स शब्द का प्रयोग सन 1966 में रूस में प्रलेखन या डॉक्यूमेंटेशन शब्द के रूप में किया गया था, इसे चेन्नई एवं गिलेरेवस के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों यहाँ पर जो भी मैं करा रहा हूँ उनका अगर मैं सागर में आपके लिए यह है ध्यानपूर्वक पढ़ने की चीज़ है और आप अपने से भी इससे क्वेश्चन तैयार कर सकते हैं। लिखित परीक्षा के साथ साथ साक्षात्कार में भी बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए हैं। दोस्तों आशा करता हूँ कि आप इसको अधिक से अधिक लाइक करेंगे, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे द्वारा जो भी जानकारी दी जा रही है वो आप लोगों को समय पर पहुँचे। धन्यवाद।